बेसब्री से मैच ही मुंतजर। आजादी कप सीरीज की ट्रॉफी की लाहौर में मुंह दिखाई, वर्ल्ड 11 की शर्ट्स की भी रोनुमाई। बैन अल-अक़वामी क्रिकेटर्स पीली जर्सी में एक्शन में नजर आएंगे। सरफराज अहमद कहते हैं तैयारियां अच्छी हैं, वर्ल्ड 11 के खिलाफ भरपूर जान मारेंगे। ख्वाहिश थी पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में किरदार अदा कर सके। जनूबी अफ्रीकी टीम को भी पाकिस्तान के दौरे पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। कप्तान फाफ डुप्लेसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंडी फ्लॉक कहते हैं पाकिस्तानी अवाम अब अपने मुल्क में क्रिकेट देख सकेंगे। वर्ल्ड 11 का दौरा श्रीलंकन टीम के दौरे की राह हमवार करेगा। जनूबी अफ्रीका के 5 खिलाड़ी आ गए, अब उनकी टीम को लाने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। चेयरमैन पीसीबी पुरुमी जाइल्स क्लार्क कहते हैं पीएसएल फाइनल लाहौर में ना होता तो मौजूदा दौरा आसान न था। वर्ल्ड 11 में फटीचर नहीं बेहतरीन खिलाड़ी पाकिस्तान आए हैं। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की इमरान खान पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा आईसीसी का सिक्योरिटी पैनल जिस शहर की सिक्योरिटी क्लियरेंस देता है मैच वहीं होते हैं। एक शहर में मैच कराने को सूबाइयत का तासुर देना गलत है। नवाज शरीफ ने आईन और कानून की पासदारी के लिए पैनामा फैसला तस्लीम किया, लेकिन अवाम ने उसे मानने से इनकार कर दिया। खल्के खुदा के फैसले का वक्त आने वाला है, अवामी अदालत जो फैसला देगी वो हर किसी को मानना पड़ेगा। मरियम नवाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कौन मारेगा एन 120 का मैदान? नू लीग की होगी फतह या पीटीआई धाक बिठाएगी या पीपल्स पार्टी देगी सरप्राइज? लाहौर के हाई वोल्टेज टाकरे से पहले आज न्यूज की ट्रांसमिशन हल्का तहलका का आगाज। मुहिम से इलेक्शन डे तक की लम्हा ब लम्हा कवरेज सिर्फ आज न्यूज पर। 5 जजेस ने उसको ना अहल डिक्लेयर किया। बेटी रोती फिर रही है कि मेरे अब्बा को 5 जजेस ने निकाला। नवाज शरीफ को 5 जजेस ने निकाला और बेटी पूरे हलके में रोती फिर रही है अब्बा को क्यों निकाला? डॉक्टर यास्मीन राशिद की आज न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन में शिरकत। कहती है वजीर आजम का हल्का होने के बावजूद पानी सेवरेज समेत दीगर मसाइल की भरमार है। सेनेट में रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर के खिलाफ वर्जी है करारदाद का मतलब। अमरीकी फौज अफगानिस्तान में अम कायम करने में नाकाम हो चुकी। एक अशरे से अफगानिस्तान में अम के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। मसला हल करने के लिए हमसाया ममालिक में इत्तेफाक राय होना चाहिए। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की ईरानी सदर हसन रूहानी से गुफ्तगू। इसाक डार जराए आमदन बताने में नाकाम रहे, सफाई का मौका दिया मगर पेश ना हुए। नैब ने अबूरी रेफरेंस में वजीर खजाना को मुलजिम करार दे दिया। नैब हुकाम ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस से मुतालिक मतलूबा दस्तावेजात एहतिसाब अदालत में जमा करा दी। नवाज शरीफ के बच्चों को भी पैनामा नजरसानी दरख्वास्तों को 5 रुकनी लाजर बेंच के सामने लगाने की दरख्वास्त। 3 रुकनी बेंच के सामने लगाई गई दरख्वास्त पर समाअत मौखर की जाए क्योंकि 3 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच का फैसला बदल नहीं सकता। दरख्वास्त में मौखर। सिर्फ नवाज शरीफ को नाहिल करार देना काफी नहीं, पैनामा केस में शामिल तमाम अफराद का एहतिसाब होना चाहिए। अशराफिया और आम आदमी के एहतिसाब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। लाहौर में एहतिसाब मार्च के आगाज पर सिराजुल हक का खिताब। मार्च के शुरुआत का जगह जगह इस्तकबाल। तहरीक इंसाफ ने आज भी इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंडिंग की तफसीलात नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ को 18 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जवाब जमा ना कराया तो इल्जाम दुरुस्त तसव्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन। मर्दमशुमारी शफाफ और साइंसी बुनियादों पर की गई, डेटा कंप्यूटराइज भी है और दस्तावेजी शक्ल में भी मौजूद है। 1998 की मर्दमशुमारी के बरअक्स कराची के 7 दही इलाकों को शहरी इलाका करार दिया गया। मुल्क की आबादी मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर तेजी से बढ़ रही है। चीफ शुमारियात आसिफ बाजवा की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस।
कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में अनोखी तरीके का इस्तेमाल। गुलशन इकबाल में स्ट्रीट क्रिमिनल्स गाड़ी चोरी करने के लिए वैसी ही गाड़ी साथ लाए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज की अफगान हम मनसब सलाहुद्दीन रब्बानी से मुलाकात। भारत अफगान अवाम के साथ खड़ा है, सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों से निपटने के लिए मुत्तहिद है। मुश्तरका एलामिया जारी।